Hi, today we are going to learn why study algorithm design and analysis subject. So mostly it is in fifth semester of all the universities, and this subject is basically an analytical and conceptual subject. मतलब अगर आप ये subject पढ़ते हैं तो आपकी analysis और conceptual subject for any problem increase होती है. After this subject, students will be able to select an appropriate problem solving strategies for real world. तो कोई भी अगर real world में कोई problem आती है तो उसको आप ये decide कर सकते हो कि इसमें कौन सी algorithm use करते हो. For example, आपके पास होती है divide and conquer, और greedy methods, ये सारे एल्गोरिदम हम स्टडी करेंगे. डायनेमिक प्रोग्रामिंग्स, तो कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे सारे उसमें कौन सी एल्गोरिदम आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम ये सब्जेक्ट स्टडी करते हैं. और जितने भी कंप्यूटर साइंस और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं उस सब जगह ये एल्गोरिदम यूज होता है. चाहे आप कंप्यूटर ग्राफिक्स ले लें, मशीन लर्निंग ले लें, न्यूरल नेटवर्क्स ले लें, आर्किटेक्चर ले लें, या फिर नेटवर्क्स ले लें, तो उस सब में कहीं ना कहीं एल्गोरिदम यूज होता है. तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. प्ले की रोल इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनोवेशन. कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनोवेशन आपकी बात करें, रोबोटिक्स की बात कर सकते हैं. सो रोबोटिक्स में भी अगर आपने कोई रोबोट डिजाइन करना है अपने घर के लिए और वो कैसे ही आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो एक एल्गोरिदम आप एक डिजाइन कर सकते हैं. अगर आप ये सब्जेक्ट अच्छे से करते हैं तो इफेक्टिव एल्गोरिदम आप डिजाइन करेंगे. अपार्ट फ्रॉम एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेशन, हम एल्गोरिदम एनालिसिस की भी बात करते हैं, जिसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे. ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब टोटल एल्गोरिदम कितना टाइम कंज्यूम करता है और स्पेस कंज्यूम करता है उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के में, तो कितना फास्ट वो करता है और कितने कम स्पेस में करता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा. तो ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम यूज करने के लिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एल्गोरिदम डिजाइन एंड एनालिसिस. थैंक यू.